खामोश है सरकार, अवाम किससे मांगे जवाब, कौन है बेजुबानों की आवाज, क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में, शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे, क्यों भूखा है मेहनत कश किसान, सदे हुए हाथ किससे मांगे काम, एक ही जवाब उठे समूह की आवाज, हम बनेंगे इसकी परवाज, आवाज आप। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता है जो वाकई अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन्हीं की आवाज को बुलंद करता है। शताब्दी नगर चौक रामेश्वरी रिंग रोड पर खड़े हैं और यहाँ पे काफी सारे लोग एकत्रित हुए उनकी समस्याओं को लेकर। इन लोगों की सारी कुछ समस्याएं हैं तो चलिए इन्हीं की समस्याओं के बारे में जानते हैं, इन्हीं की जुबान से जानते हैं। अनुराधा फुलजले है, मी जोगनगर रिंग रोड इथे माझं घर आहे। माझ्या घराच्या बाजूला 5 वाजतापासून रात्रीचे 12 वाजेपर्यंत अंडे आणि फ्रिज पाय आणि उघड्यावर दारू विकल्या जाते, तिथेच बाथरूम, तिथेच शिवीगाळ। आम्हाला खूप त्रास आहे, त्याच्यामुळे आम्ही घराच्या बाहेर निघू नाही शकत किंवा तिथून जाणे येणं सुद्धा करू शकत नाही। तो इस बारे में आपने यहाँ के पुलिस प्रशासन से कंप्लेंट की? पुलिस नहीं, वहाँ नहीं गए थे, अकेले नहीं जा सकते, डरते हैं। लेकिन वहाँ पुलिस की गाड़ी आती है, रुक जाती है और उनसे क्या बातें होती है, पुलिस वाले चले जाते हैं। तो दोस्तों एक समस्या सबसे बड़ी यह है कि इनके घर के पास में शाम के वक्त में कुछ स्टॉल लग जाते हैं, कुछ ठेले लग जाते हैं और वो ठेलों में दिक्कत ये होती है कि उन ठेलों में ऑमलेट और फिश फ्राई वगैरह बिकता है, साथ ही साथ तो उन ठेलों में ऑमलेट फिश के अलावा अवैध दारू भी बिकती है। और दिक्कत यह है कि अवैध दारू बिकने के बाद यहाँ पे एक पुलिस चौकी होते हुए भी वो पुलिस चौकी के पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं, वो दारू वालों को रोकने की बजाय उनसे अपने अपने पैसे अपना अपना हफ्ता वसूल करके निकल जाते हैं और उन्हें दारू बेचने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और ज़्यादा उनमें एनर्जी लाते हैं और ज़्यादा उनको आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह के अवैध धंधे इस भरे चौक में, जो ये चौक ये रास्ता है 24 घंटे चलते रहता है और शाम को जैसे ही शाम हो जाती है उस शाम को ये सारे धंधे यहाँ पे शुरू होते हैं और ये सारे धंधे इस पुलिस चौकी के आड़ में चलते हैं, उस पुलिस चौकी के बगल में चलते हैं और पुलिस वाले होते हुए भी उन सारी चीजों के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। गटर लाइन आहे मागची आमची, ते चोकअप झालेली आहे आणि टाके भरून जातात, ते साफ करायला येत नाही। आम्ही जाऊ जाऊ परेशान आहे ऑफिस मध्ये पण ते काही येत नाही। 5 वर्षापासून आमची ही समस्या चालू आहे आणि बस तेवढंच आहे। तो इस बारे में आपने कहां कहां शिकायत की? ऑफिस मध्ये। कौन से? नगर सेवक। नगर सेविका। हाँ मतलब बहादुर मैडम के। हाँ। उन्होंने क्या कहा? ती पाठवते पाठवते आणि पाहून जातात, साफ करत नाही, काय नाही, ती होतच नाही म्हणतात। ती गटर लाईन म्हणजे ते एक वर झालेली आहे आणि एक खाली झालेली आहे, त्याच्याने आमचे दोन घराचे प्रॉब्लेम सॉल्व होऊनच नाही राहिले। तो ये एक समस्या आहे की इनके घर के इनके दो घर है, इनके अगल बगल में दो जो घर है उन दो घरों की दिक्कत ये है कि उन दो घरों में चोकअप लाइन अनबैलेंस होने की वजह से, शुअर लाइन अनबैलेंस होने की वजह से सारे चेम्बर्स चोकअप हो जाते हैं और चेम्बर्स चोक होने के बाद में सारा ओवरफ्लो के मटेरियल बाहर आ जाता है। इस बारे में जब इन्होंने नगर सेवक से शिकायत की और नगर सेवक से जब इस बारे में बातचीत की तो नगर सेवक सिर्फ अपने आदमी भेजते हैं, आदमी देख के चले जाते हैं और बोल देते कि काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन वो काम होता नहीं है, इन्हें इसी तरह रहना पड़ता है और नगर सेवक भी इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। ये स्थिति यहाँ की शताब्दी नगर चौक की। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आमच्या घराच्या समोर पूर्ण वस्तीचं पाणी, गंदा पाणी येते आणि पूर्ण कचरा पसरलेला आहे। जे वापरण करतात ना बाथरूमचं ते पाणी येऊन राहिलं आहे, गंद पाणी। आम्ही उभेही नाही राहू शकत ना, काही नाही, एवढं घाण आहे काही बोलायचं कारण आमच्या घराच्या समोर। तो इनकी दिक्कत ये है कि इनके घर के आगे में पूरे एरिया का जो वेस्ट ऑफ वाटर होता है, जो बाथरूम का पानी होता है, वो सारा पानी एक जगह जमा हो जाता है, डीप होने की वजह से वो पानी जमा हो जाता है और वो पानी जमा होने के बाद उसमें एक बहुत बुरी तरह बू चलती है और इन दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। तुम मट्टी डालो, ये करो वो करो, हम कोई बोलते हैं नगर सेविका। तो नगर सेविका से कंप्लेंट करने के बाद नगर सेविका का कहना यह है कि आप खुद ही उसके लिए काम कीजिए क्योंकि वो कचरा आपने किया है। मेरा नाम रमा वासनिक, जोगीनगर गली नंबर 11 में रहती हूँ। आपको मैं बता दूँ कि पिछले नगर सेवक जो हमारे थे नंदाताई झोड़ा पे, उन्होंने 47 लाख की पाइपलाइन डाल दी है, जहाँ की हमारे यहाँ सभी घर में 10-10 हज़ार रुपये लोगों ने लगा के नल खरीदे थे। उन्होंने 24 घंटा पानी आपको मिलेगा और इसलिए वो लाइन का काम किया है, लेकिन वो लाइन में ठीक से अभी पानी भी नहीं आ रहा है और उसका कुछ यूज़ भी नहीं है।
अभी हम चाहते हैं, और कई जगह पानी आता है और कई जगह वाल खोले नहीं है उन्होंने, तो हम चाहते हैं कि वो पानी की समस्या पहले तो थी और हमारे जो पुराने नल थे उन्होंने पूरे बंद करवा दिए, तो हमको अभी पानी नहीं मिलता है। 24 घंटे पानी मिलने का था वो भी नहीं मिलेगा, एक घंटा भी अभी ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा है। इस विषय पे हमने अभी पिछले नगर से उससे बात नहीं कर सकते, उनसे हमने बोला था, उसी रेजिम में उन्होंने डाला था। अभी नए नगर सेवक से हमने बात की है, वो बोल रहे हैं कि जो अभी पानी का प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो उस प्राइवेटाइजेशन में वो जो ढोले साहब है वो कुछ ध्यान देना नहीं चाहते। नगर सेवा के नगर सेविके ने मेरे सामने उनसे बात की, लेकिन वो उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। का सौंदर्यीकरण करने के बारे में हमने बात की थी, खोपड़े साहब की भी यहाँ आमदार की सभा हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपका काम सौंदर्यीकरण का हो गया है, वो शुरू होने वाला है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमने पब्लिक मीटिंग भी ली, उस पब्लिक मीटिंग में भी ये हुआ है कि उनसे बात की, लेकिन उनका इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा चौक है, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो शताब्दी चौक है, यहाँ से जाते आते लोग सभी एयरपोर्ट से लोग जाते हैं, तो इस चौक का विशेष महत्व हमें है, तो हम चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो दोस्तों ये दिक्कत है यहाँ पे कि यहाँ पे जो नगर सेविका चुन के आई है वो नगर सेविका यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, इनके एरिया में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इनका कहना ये है कि इससे पहले जो यहाँ पे नगर सेविका थी उन्होंने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया था वाटर सप्लाई के लिए, लेकिन जब से OCW ने ये सारा चार्ज अपने हाथ में लिया है तब से इस एरिया में पानी की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई। एक तरफ तो OCW का कहना सीधा सीधा ये है कि हम लोग 24/7 पानी देंगे, वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे OCW की पाइपलाइन पूरी तरह हो चुकी है, जैसे जोगीनगर विभाग में OCW की पाइपलाइन पूरी तरह हो चुकी है, उस पाइपलाइन होने के बावजूद भी आज भी यहाँ के लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनमें मतलब पानी की सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है, और यहाँ पे पानी 24 घंटे की बात तो बहुत दूर की है, यहाँ पे 2 घंटे भी ढंग से पानी नहीं आ रहा है, ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। तो आइए और भी लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। माझं नाव निर्मला महादेव बागडे आहे, तिथे गडर लाइन फुटली राहते, नळची सोय नाही राहत, रिपोर्ट केली काही कंप्लेंट केली का ते एका म्हणतात आज कॉर्पोरेशनवाले येतात उद्या कॉर्पोरेशनवाले येतात, ते गडर लाइनचे पाणी 15 दिवस 8 दिवस तसंच फुटलं राहते, यांचं काय करावं? तो स्थिति यह है कि यहाँ की नगर सेविका सब हर किसी का कहना ही है कि यहाँ की नगर सेविका इस एरिया में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। दोस्तों वक्त हो चुका है यहाँ पे फिर एक बार छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जातो जाऊ द्या मग आम्ही नंतर धावतो, एक घरगुती झगडा राहिला, कोणी मारपीटही करत राहिली, हे पोलीस चौकी कशासाठी आहे? झगडा जर असला होत तर चौकी कशासाठी आहे? सोडवासाठी आहे ना? नाही, तुम्ही काही करा घरी। कालच ते ती झगडा झाला त्या बाईच्या घरी, येते पोलीस आले बोलवलं, तो म्हणे तुम्ही मरा का वाचा आम्ही येत नाही। तो यहाँ पे दिक्कत यह है कि पिछले कई सालों से यहाँ पे पुलिस चौकी बसी हुई है, और पुलिस चौकी बसने के बाद भी यहाँ पे लोगों की समस्या कम होने की बजाय और भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, और एक्सीडेंट होने के बाद भी पुलिस लोग चाहिए उस तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, 24/7 ये रोड चलते रहता है। ये नागपुर का जाना माना रिंग रोड कहलाता है, वर्धा रोड और भंडारा रोड को टच करने वाला, अमरावती रोड को टच करने वाला ये बाईपास है, और यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स भी होते हैं, फिर भी पुलिस वाले ध्यान नहीं देते। पुलिस चौकी यहाँ पे बिठाई तो गई है, ये पुलिस चौकी बिठाई गई है लोगों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन दिक्कत यह है कि जब यहाँ पे आम आदमियों के बीच में झगड़ा हो जाता है और कुछ लोग पुलिस के पास चले जाते हैं उस झगड़े के बारे में बताने के लिए, तो पुलिस लोग कहते हैं कि झगड़ा पूरा खत्म हो जाने दीजिए, कोई मर जाएगा तो उसके बाद हम लोग केस फाइल कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पंचनामा कर लेंगे। ये स्थिति यहाँ के पुलिसों की है। यहाँ पे पुलिस लोग चौकी में रहते तो है वो, पर वो अपनी ड्यूटी बजाने की बजाय सिर्फ नींद लेने का काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी खड़े होते हैं, वो भी अपने काम छोड़ के छांव ढूंढ के कहीं तो भी बैठे रहते हैं, अपना काम बिल्कुल भी नहीं करते। ये स्थिति यहाँ की है। आइए और भी लोगों से जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। मैं अलकाताई कांबळे 67 प्रभागाची एक समाजसेविका म्हणून काम करते।
या ठिकाणी बीजेपीचे दोनही नगरसेवक आलेले आहे। 85 प्लॉटमध्ये गडर लाईन आहे, तिथे झाकण नाही। रामटेके नगरला गडर लाईन नाही, त्याच्यामुळे संडास नाही। तिथे तरुण मुली ह्या उघड्यावर जातात आणि त्यांना त्या गडर लाईनचा जो प्रॉब्लेम आहे हा खूप मोठा प्रश्न आहे। जोगीनगरमध्ये जो पाण्याचा वेळ आहे तो पाण्याचा वेळ ऐन दुपारी येतो। ज्या घरचे दोन कर्मचारी आई वडील दोघंही जर कामाला जात असतील त्या घरात पाणी कसं भरावं हा प्रश्न पडतो। या ठिकाणी दारूचे धंदे अवैधरित्या जे सुरू आहेत ते भरपूर प्रमाणात सुरू आहे। म्हणजे एकंदरीत असं चित्र दिसते की हा प्रभागच पूर्ण समस्येचा एक अड्डा झालेला आहे की काय असं आम्हाला प्रश्न पडतो। काही काही ठिकाणी तर इतकं की गडरचं पाणी त्या नळाला येतं, मग नागरिकांनी भरावं कसं? त्यांना एवढंही माहिती नाही आहे इथल्या नागरिकांना की महानगरपालिकेला कोणाला फोन केलं तर आमच्याकडे टँकर येईल। आम्ही अनेकदा डेप्युटेशन दिलं या ठिकाणी की दारूबंदी झाली पाहिजे, दारूबंदी झाली तर इथली स्त्रीचं घर सुधारेल, पण दारूबंदीवरही इथलं प्रशासन किंवा इथलं आयुक्त कुठल्याही गोष्टीत लक्ष देत नाही आहे आणि हा भूर्दंड लवकरात लवकर थांबलं पाहिजे। या ठिकाणी रिंग रोड आहे, भंडाऱ्यावरून वर्धेला जाणाऱ्या चंद्रपूरला जाणाऱ्या इथून वाहतूक वाहते। बऱ्याचशा रिंग रोडवरती इथे पोल नाही आणि पोल असले तर नावाचे आहे, रात्री पूर्ण रात्री इथले लाईट बंद असतात, त्या लाईटची सुद्धा सोय झाली पाहिजे। तो स्थिति यहाँ पे दोस्तों यह है कि ये रिंग रोड 24 घंटा बहता रहता है और यहाँ पे जो बीच रिंग रोड के बीच में जो एक बड़ा स्ट्रीट लाइट लगाया गया था जिसमें मर्क्यूरी लाइट लगाए गए थे वो पोल पूरी तरह टूट चुका है। प्रशासन का इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। 24/7 बहने वाला ये रास्ता होने के बाद भी इस रास्ते में रात के वक्त पूरी तरह अंधेरा छाया होता है और उस बीच में जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता, ना तो प्रशासन लेता है, ना यहाँ के नगर सेवक लेते हैं, ना यहाँ के पुलिस लेते हैं। पुलिस कहते हैं जब हम ड्यूटी पे थे तब ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, हर कोई एक दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश करता है। ये स्थिति यहाँ की और भी लोगों से जानते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। माझं नाव पराग फुलझेले आहे। माझी विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून एक समस्या आहे। आमच्या विभागामध्ये एक महानगरपालिकेची कॉर्पोरेशन शाळा बऱ्याच दिवसापासून आहे, तर ती काही दिवसांपहिले तिची व्यवस्था आता ठीक नाही आहे, ती इमारत ढासळली आहे। शाळा सध्या आता आमच्या महानगरपालिकेच्या लायब्ररीमध्ये आहे, पण तिथे विद्यार्थी जे आहेत त्यांना म्हणजे बसण्याची तिथे व्यवस्था नाही आहे। जे आधी जी कॉर्पोरेशन शाळा होती तिची इमारत लवकरात लवकर बनली पाहिजे आणि तिथे विद्यार्थी आमचे जे गरीब विद्यार्थी आहेत तिथे शिकले पाहिजे, कारण त्या कॉर्पोरेशन शाळेतून आमच्या वस्तीमधनं काही डॉक्टर झाले आहेत, काही इंजिनियर झाले आहेत, तर ती त्या शाळेची लवकरात लवकर इमारत बांधली पाहिजे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आए दिन अभी दिन बर दिन दिक्कत ये होती जा रही है कि जब से एजुकेशन का निजीकरण होना शुरू हुआ है तब से महानगर पालिका की कॉर्पोरेशन की जितनी स्कूलें थी वो सारी स्कूलें धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और यहाँ पे भी स्थिति वही है कि यहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी पुरानी होने की वजह से वहाँ के बच्चों को वहाँ से हटा के लाइब्रेरी में बिठाया गया। लाइब्रेरी में कंडीशन ये है कि बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। एक तरफ सरकार तो ये कहती है कि सभी को शिक्षा एक जैसी मिलनी चाहिए और दूसरी तरफ जहाँ पे उनकी कॉर्पोरेशन की स्कूल है वहाँ पे उन विद्यार्थियों के लिए ना तो ढंग से बैठने के लिए जगह है, ना ही उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स है। तो ये कहाँ का न्याय है, ये एक सवाल उठता है। लेकिन ये चौक की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये चौक को दो नाम से जाना जाता है। सबसे पहले एक रामेश्वरी चौक से नाम से जाना जाता है और महानगर पालिका ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शताब्दी चौक नाम दिया है। मनुवादी लोग जो समाज कंटक है जानबूझ के इस चौक को रामेश्वरी चौक करके बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शताब्दी चौक नाम दिया है महानगर पालिका ने। हाल ही में नागपुर के रिजर्व बैंक चौक का नाम बदल के संविधान चौक यह नाम रखा गया और इसके लिए महानगर पालिका साथ ही साथ NIT ने पूरा सपोर्ट किया। उसी तरह से इस एरिया का इस चौक का नाम जो शताब्दी नगर चौक है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर आवाज इंडिया ने डॉक्टर आंबेडकर शताब्दी चौकामध्ये येऊन आमच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला म्हणून मी प्रथम आवाज इंडियाचा फार फार आभारी आहे। इथल्या समस्यांचं मूळ केंद्राचे केंद्रस्थान झालेले आहे, आंबेडकरी जनतेच्या आंदोलनाचं एक केंद्र झालेलं आहे आणि हा शताब्दी चौक हा संपूर्ण समस्येचा आपल्या समस्या मांडण्याचा एक भाग झालेला आहे। त्यामध्ये त्याच्या सुधारणा करायच्या म्हटलं तर आंबेडकर शताब्दी चौकाचं सौंदर्यीकरण हे झालं पाहिजे। मुळात इथल्या समस्या अशा आहे की दारू, ट्रॅफिक आणि ज्या ज्या जमिनीविषयी झालेले जे अपराध त्याला या विभागात कुठल्या पद्धतीने खराब करता येईल, इथल्या जनतेला किती त्रास देता येईल, या पद्धतीचं जे षडयंत्र आहे इथं सतत सुरू असतं। तो यहाँ के लोगों का सीधा सीधा कहना यह है कि इस एरिया का इस चौक का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, इसमें इसे एक अच्छा नाम मिलना चाहिए। जो नाम इसका है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शताब्दी चौक,
वो इसका नाम इसे पूरी तरह मिलना चाहिए और इसके लिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए, यहाँ पे बोर्ड्स लगाने चाहिए। तो आइए दोस्तों और भी लोगों से जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। प्राजक्ता ताकसंडे, जय भीम। मला एवढंच सांगायचं आहे की भारत देश खूप पुढे चालला आहे आणि 21st सेंचुरी आहे, बाबासाहेबांच्या विचाराप्रमाणे खूप पुढे जायला पाहिजे होतं नागपूर, कारण बाबासाहेबांनी खूप विचाराने इथे दीक्षा घेतली। माझं नाव सुजाता गायकवाड आहे। तो आमच्या घरचा ॲक्सिडेंट झाला ट्रकनी, तो त्यांना काही चालता येत नाही आणि घरी संडास वगैरे करतात, मग घरून संडास बाहेर आपल्या चिखलातून नेणं पडते। आणि असं माझं म्हणणं आहे की आम्हाला गडरलँडची जरूरत आहे। आप कहाँ रहती है? रामटेकनगर। तो इनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि इनके जो हस्बैंड हैं उनका ट्रक से एक्सीडेंट होने की वजह से उनके दोनों पैरों में से जान निकल गई, वो चल फिर नहीं सकते और चल फिर ना सकने की वजह से उन्हें शौचालय के लिए जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उन्हें बेड पैन दिया जाता है और बेड पैन जब ये देती है उन्हें तो इनके घर के आगे बहुत ज़्यादा मिट्टी और कीचड़ जमा हो जाता है बारिश के दिनों में। तो दिक्कत यह है कि ना तो इनके घर के पास शुअर लाइन पहुंची है और ना ही इनके घर के आसपास का रास्ता ठीक है, उस वजह से इन्हें वो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समस्याओं के बारे में जाना, उन समस्याओं में सबसे पहली समस्या तो ये निकली कि ये रोड 24/7 बहने के बाद भी ये रोड के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट है वो पूरी तरह बंद है, प्रशासन का इसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं। तो इस डबल रोड के ऊपर रूल के हिसाब से तो ये देखा जाता है कि एक तरफ से भारी वाहन चलते हैं और दूसरी तरफ से हल्के लाइट वाहन चलने चाहिए, छोटी व्हीकलें चलनी चाहिए, लेकिन दिक्कत ये होती है कि दोनों रोड के ऊपर ट्रक खड़े हो जाते हैं और पुलिस वाले देखते रहते हैं, यहाँ के लोगों का ये कहना है। साथ ही साथ पुलिस वाले सिर्फ टू व्हीलर्स को ही चालन करते हैं, फोर व्हीलर को चालन करने की जब बात आती है तो पुलिस वाले ध्यान ही नहीं देते। और साथ ही साथ लोगों का कहना ये भी यहाँ के पुलिस वालों के ऊपर कि पुलिस वाले सिर्फ छाव देख के ही खड़े रहते हैं, उनका काम यह है कि रोड के बीच में चौक के बीच में खड़े होकर अपनी ड्यूटी बजाने का, तो वो अपनी ड्यूटी बजाने के बजाय छाव देख के खड़े होते हैं और ढूंढते रहते हैं कि टू व्हीलर वाले कहाँ से चालन करने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे एक पुलिस अधिकारी हमारे बीच में मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि लोगों का ये स्टेटमेंट उनके बारे में क्यों बना और जो लोगों की यहाँ पे सवाल थे उन सवालों के पीछे वो उनकी क्या राय है और वो क्या करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रकाश वानखेड़े, माझी पोस्ट आहे एसआय, म्हणजे सहायक पोलीस निरीक्षक, आणि मी ट्रॅफिक पुरवला नेमणुकीस आहे। आणि हे आता तुम्ही सांगितलं की फक्त टू व्हीलरनंच कारवाई करतात, हे चुकीचं आहे। आम आदमी के प्रोटेक्शन के लिए उनकी जीवधानी ना हो इसके वास्ते ड्यूटी करते हैं, मगर जो गलतियां करते हैं उनकी चालान होते हैं। आपके पहले भी हम यहाँ कार्रवाई करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, यहाँ के इंचार्ज सयाम साहब है वो भी, उन्होंने भी अभी 3-4 चालान किए हैं यहाँ पर, रोज़ हरदम 4-10 चालान होता है यहाँ पर, लोग भी देखते रहते हैं हमको, यहाँ खड़े रहते हैं हम, वो मैडम भी देखती रहती, यहाँ ही रहती मैडम, उनके घर के सामने भी चालान करते हम। ये लोगों की धारणा है, मगर लोग भी समझदार है, पढ़े लिखे हैं, चाहे जो गाड़ी चलाते वो भी समझदार है, स्टॉप लाइन लगाई हुई है, वो स्टॉप लाइन पर ही रुकना चाहिए उन्होंने, मगर वो करते नहीं वैसे। अब एक कर्मचारी दो कर्मचारी क्या करें। तो वानखेड़े साहब का सीधा सीधा स्टेटमेंट ये है कि यहाँ पे लोगों को बोलने के बाद भी वो लोग नहीं मानते हैं, इसके लिए ये लोग चालन भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का आरोप ये है कि ये लोग सिर्फ टू व्हीलर्स को ही देख के चालन करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शताब्दी चौक, यहाँ जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो लगने वाला था, पुतला लगने वाला था, 15 सालों से यहाँ के जो नगर सेवक है वो भी 3 अम्बेडकरवादी नगर सेवक रहने के बावजूद भी यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला नहीं लगा है, ठहराव भी पास किए है, पुतला भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ नगर सेवक ने अभी तक के कोई ध्यान नहीं दिया कि ये जो 4 साल बचे हैं अम्बेडकरवादी नगर सेवक के, उन्होंने ये 4 साल में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आया हुआ पुतला कारपोरेशन में सैंक्शन किया हुआ ये 4 साल के अंदर बिठाना चाहिए। इसी दारू की समस्या जो है, हर बस्ती में दारू के दुकान चलते हैं, लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं वो हफ्ता वसूली करते हैं और उनके देन लेके जाते हैं, और यहाँ के जो चिल्लर दारू के दुकान हैं वो बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे दिक्कत यह है कि पिछले 15 साल पहले यहाँ पे शताब्दी नगर चौक का जब यहाँ इस एरिया को, इस चौक को जब नाम मिल चुका है, तो साथ ही साथ यहाँ के महानगर पालिका ने एक प्रस्ताव भी मंजूर किया था, वो ये था कि यहाँ पे एक बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा स्टैचू लगाया जाएगा, लेकिन पिछले 15 सालों में अम्बेडकरी जनता होने के बावजूद भी, अम्बेडकरी फॉलोअर्स नगर सेवक होने के बावजूद भी पिछले 15 सालों में यहाँ पे वो पुतला नहीं लग पाया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, मैं अरुण सुटे। या एरियातल्या एवढ्या समस्या वाढलेल्या आहेत की एक दोन दिवसाच्या आड या
वसाहतीमध्ये चोरी चोरीचं सर्वात जास्त प्रमाण वाढलेलं आहे. कंप्लेंट करतो आहे तो याच्याकडे पोलीस प्रशासन थोडं पण लक्ष देत नाही आहे. आणि नगरसेवकाकडे पण आम्ही या वारंवार या घटनेच्या रिपोर्ट्स केल्या आहेत पण त्यांनी पण याच्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे. या वसाहतीमध्ये पाण्याची सर्वात जास्त समस्या आहे. पाण्याचं उन्हाळा असताना पण फक्त एक घंटा नळ येतो. दिक्कत यह है कि यहाँ पे जो जो समस्या है उसके तरफ नगर सेविका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही. यहाँ की स्थानीय नगर सेविका सरोज राजू बहादुरी जी वो यहाँ पे आ चुकी है तो आइए उनसे जानते हैं यहाँ के लोगों की जो समस्या है उनके बारे में वो क्या कर रहे हैं. या एरिया मध्ये जेव्हा शताब्दी चौक है बनल त्यावेळेस बहादुरे साहेब नंतर नगरसेवक झाले तर त्यांच्याच सहकार्याने आणि हे शताब्दी चौक नाव देण्यात आलं होतं. आणि नंतर आमचं फ्युचर प्लॅनिंग होता की या एरियामध्ये या चौकामध्ये बाबासाहेबाचं एक सौंदर्यकरण झालं पाहिजे. तर मधातले 10 वर्ष वाया गेले म्हणजे काही बाहेरचे दुसरे नगरसेवक आले आणि ते काम झालं नाही. पण आता मी या 11 महिन्या 12 महिन्याच्या ह्या 1 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मी महानगरपालिकेमध्ये दिलेलं आहे की मला या चौकामध्ये बाबासाहेब सौंदर्यकरण करायचं आहे. इस चौक में जो बाबा साहेब का स्टैचू बनाने वाले थे तो उसका बजट भी आ चुका था लेकिन कुछ कारण से वो बजट चला गया है, नहीं हुआ काम. लेकिन अभी अपन ने इस साल में वहाँ पे कॉरपोरेशन में NIT में वहाँ पे अपन ने एप्लीकेशन दिए हैं, अर्ज किए हैं. अपन ने इस एरिया की मीटिंग भी लिए है कि यहाँ पे बाबा साहेब का स्टैचू भी होना चाहिए और वो सौंदर्यकरण भी. अभी ये साल तो हमने बजट मांगे है, अभी हाउस बजट मीटिंग होने वाली है. उस बजट में अभी मैंने अपना लेटर दिया हूँ कि मुझे यहाँ स्टैचू भी चाहिए और सौंदर्यकरण भी चाहिए थी, इसलिए मैंने वो बजट बना के दिया हूँ. अभी बजट में अगर वो सैंक्शन हो जाएंगे तो इसी साल हो जाएगा. आप ये जो स्ट्रीट लाइट की बात बोल रहे हैं ये 1.5 साल नहीं हुआ, ये पिछले हफ्ते में गिरा है और ये रात को 11 बजे गिरा. और जिस समय रात को 11 बजे ट्रक वाले ने यहाँ ठोस मारा तब मेरे मिस्टर राजू बहादुर यहाँ बाजू में खड़े थे फर्नीचर के दुकान में और उन्होंने वहाँ से तुरंत वो देखे, चिल्लाए और उन्होंने पुलिस स्टेशन में कॉल किया, पुलिसों को बुलाए, पुलिस आई, यहाँ स्टेटमेंट हुआ. और अभी 2 दिन पहले मैंने स्टैंडिंग कमेटी सदस्य अविनाश ठाकरे जी को इस पोल के लिए लेटर दिया हूँ और अगर वो अभी सैंक्शन हो जाएगा और ये वहाँ पोल लग जाएगा. नहीं, जब भी लाइट बंद रही थी तो मैं तुरंत MACB वाले को, स्पैनको वाले को फ़ोन करती हूँ, गिरीश साहब को फ़ोन करती हूँ, डोबड़े साहब को फ़ोन करती हूँ कि यहाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट बंद है. वो तुरंत दूसरे दिन आकर लाइट शुरू करके चले जाते हैं. मुझे जो भी फ़ोन करता है टैंकर के लिए मैं तुरंत टाके पे फ़ोन करती हूँ और शाम को 4 बजे तक वो टैंकर वहाँ पहुँच जाता है. मैं एक बार नहीं तो मैं 2-3 बार टाके पे फ़ोन करती हूँ कि वहाँ का टैंकर पहुँचा क्या, वहाँ का जो भी नाम मेरे पास आते हैं उन सब के नाम लेके मैं वहाँ के अधिकारी को पूछती हूँ कि मैंने जो सुबह कंप्लेंट दी थी आपको तो वहाँ टैंकर पहुँचे है क्या. वार्ड में अभी एकता नगर में फडणवीस साहब रोड डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ कुछ भी रोड की समस्या नहीं है, पूरा चिकल है, मट्टी है. तो वहाँ के लोगों ने भी दिए है हमको समस्या, तो वो गडकरी साहब और फडणवीस साहब ये इसी बरसात के पहले वहाँ पे वो भी रोड डाल के देने वाले हैं खुद के फंड में से, क्योंकि वो कॉरपोरेशन वहाँ नहीं कर सकती. NIT के कुछ ऐसे भाग है कि जहाँ कॉरपोरेशन काम नहीं कर सकती और इसलिए वहाँ पे NIT के कुछ काम कर रहे हैं हम लोग. और जहाँ कॉरपोरेशन के काम शुरू है तो वहाँ जितना भी फंड था हमने पूरे काम कर दिए. तो दोस्तों ये थी सरोज बहादुरी जी से बातचीत और उन्होंने सारे सवालों के जवाब हमें दे दिए. वक्त हो चुका है यही रुकने का, लेकिन रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल हम लोग फिर मिलेंगे नए लोगों के बीच, नई समस्याओं के साथ, जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में उन्हीं की जुबान से और बुलंद करेंगे उनकी आवाज़ को इस प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है आवाज़ आपकी.